नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सहारनपुर पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से 10,000 का इनामी हुआ घायल। बोकशी के मुकदमे में वांछित चल रहा 10,000 का इनामी अभियुक्त हुआ घायल। दिनांक 14 सितंबर की रात्रि में चेकिंग के दौरान दो बाइक सवार बदमाश थाना कोतवाली देहात पुलिस पर फायरिंग करते हुए नंदी फिरोजपुर के जंगल की तरफ भागे। थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा भी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देते हुए आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई। फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया तथा इसका एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश का नाम आकपुत्र शकील निवासी ग्राम शेखपुरा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर है। बदमाश आकलोप्रोक्त 10,000 का इनामी अभियुक्त है जो थाना सदर बाजार से गोकशी के मुकदमे में वांछित चल रहा है तथा थाना कोतवाली देहात का हिस्ट्री शीट अभियुक्त है। इसके अलावा इस पर जनपद के विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं में कुल 14 मुकदमे दर्ज है। घायल गिरफ्तार बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा फरार बदमाश की तलाश हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। कैमरामैन बबिता वर्मा व मोहम्मद कलीम अंसारी के साथ हामिद हुसैन की रिपोर्ट। जी हाँ, कल देर रात को जब प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात के साथ उनकी पेट्रोलिंग पार्टी नंदी फिरोजपुर गांव के पास हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी उन्हें कोई दो संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखे। उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करी। जवाबी फायरिंग में एक उसमें से व्यक्ति को पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया और दूसरा जो उसका साथी था वो वहाँ से भाग गया है। और जब उसकी शिनाख्त की गई तो पता चला कि ये आकिल पुत्र शकील है और ये कोतवाली देहात का हिस्ट्री शीटर भी है। इससे 10 से 12 गौकशी के मुकदमे हैं और अभी सदर बाजार में रिसेंटली में गौकशी घटना हुई थी जिसमें ये वांछित था और इस पर 10,000 रुपये का इनाम भी कराया गया था।